आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आज के टाइम पर AI एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ को थोड़ा सा आसान करने में और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टाइम बचाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। और आपने ये सुना ही होगा कि टाइम इज मनी। वेल, मेरा मानना यह है कि टाइम इज मच मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड आई एम श्योर कि काफी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर कहीं मेरे 40-50 रुपए वेस्ट हो जाए या एक्स्ट्रा चले जाए तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहीं कहीं अगर मेरे 40-50 मिनट वेस्ट हो जाए तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा यूज होता है, स्पेशली ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि AI जो है ये ग्राफिक डिजाइनर्स को ही रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। AI इज मोर लाइक अ डिजाइन पार्टनर जो आपकी हेल्प करता है आपके काम को और भी ज्यादा आसान करने में एंड साथ ही साथ टाइम भी बचाता है। टाइम बचाने से याद आया कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे अमेजिंग और सुपर यूजफुल AI टूल्स जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। All right. So इससे पहले मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करूं, एक बात बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी टूल्स या वेबसाइट्स के बारे में मेंशन करूंगा ये वो वेबसाइट्स है जो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं। इसमें से कोई भी वेबसाइट या टूल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड होता तो सही होता बट नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है या टूल आप जो भी चाहो उसे कह सकते हो जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है pickwish.com। ये एक बैकग्राउंड रिमूवल वेबसाइट है एंड आई एम श्योर आपने ऐसे हजारों बैकग्राउंड रिमूवल वेबसाइट्स देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट। द रीजन इज जो भी ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो बैकग्राउंड रिमूवल यू नो ऑफर करते हैं उसमें क्या होता है कि आप इमेज अपलोड कर दो बैकग्राउंड तो अच्छे से रिमूव हो जाता है, बट फिर डाउनलोड करते वक्त वो रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि आप इसी साइज में या इस साइज से छोटे में ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अगर आपको जो ओरिजिनल साइज है इमेज का उसमें डाउनलोड करना है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। और जो कंप्लीटली फ्री होते हैं उनका बैकग्राउंड रिमूवल इतना अच्छा नहीं होता, बट लकीली इस वेबसाइट का जो बैकग्राउंड रिमूवल है वो बहुत अच्छा है और यह फ्री है। और बाय द वे मैं जो भी टूल्स या वेबसाइट्स मेंशन करूंगा आज के वीडियो में सभी फ्री है। तो देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले सिंपली आपको जाना है pickwish.com पर, अपलोड पर क्लिक के आपका जो भी इमेज है उसे अपलोड करना है। तो मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, क्लिक करूंगा ओपन पर और बस 2 या 3 सेकंड में बूम बैकग्राउंड रिमूव करके आपको मिल जाएगा। और अगर आप जूम करके देख सकते हो पैन करके भी कि काफी अच्छा इसने हमें बैकग्राउंड रिमूवल करके दिया है, जबकि मैंने स्पेसिफिकली हेयर्स भी है इसमें इसलिए सेलेक्ट किया था इस इमेज को, तो बहुत अच्छे से हमें मिल जाता है। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो आप वो भी इसी टूल के ऊपर या इसी वेबसाइट पर कर सकते हो। डायरेक्टली इरेज टूल सेलेक्ट करना है, ब्रश साइज को हम लोग बड़ा कर देंगे और मान लीजिए मुझे ये सिलेक्शन नहीं चाहिए, सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से कंप्लीटली ना निकाल दूंगा और ये हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे से हमें मिल जाता है। फिर बस क्लिक करना है डाउनलोड पर, यहां पर मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा, इसे नाम दे देता हूं 2, ठीक है। तो इसे ओपन करते हैं और साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं हमारे ओरिजिनल इमेज के साथ एंड बूम आप देख सकते हो कि हार्डली आपको कुछ कंप्रेशन दिख रहा होगा। और अगर आप इस इमेज को यूज करना चाहो किसी भी डिजाइन के लिए तो यूज कर सकते हो। और हाँ, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूवल कर रहे हो कोई भी थंबनेल के लिए या कोई छोटे मोटे काम के लिए या क्विकली आपको कुछ चाहिए करके, तो उसके लिए ये वेबसाइट सही है। आपको अगर प्रोफेशनली करना है एकदम हाई डिटेल बैकग्राउंड रिमूवल तो वो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप थंबनेल्स बनाते हो या मैट पेंटिंग्स बनाते हो जिसमें काफी ज्यादा बैकग्राउंड रिमूवल हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए ये वेबसाइट सही होगा। तो नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है ये क्रोमा। यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, तो हमें बस जाना है इस वेबसाइट पर, क्लिक करना है जनरेट पर और यहाँ पर हमें बहुत अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अब इस वेबसाइट में अलग क्या है, कलर कॉम्बिनेशन वाले तो बहुत सारे वेबसाइट है, इसमें क्या है कि हमें टेक्स्ट और बैकग्राउंड के साथ कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप कोई मान लीजिए इंस्टाग्राम डिजाइन बना रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हो और उसके लिए हम ज्यादातर टेक्स्ट और बैकग्राउंड यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, विजुअली देखने मिल जाता है कि अगर मैं ये कलर यूज करूंगा तो टेक्स्ट पे कैसा दिखेगा और बैकग्राउंड पे कैसा दिखेगा। और अगर आप चाहो तो इसे इन्वर्ट करके भी देख सकते हो तो यू नो यू विल गेट अ बेटर आइडिया और एक अच्छा सेंस आपको मिलेगा कलर का। और ऐसी चीजें यूज करने से ना आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस भी अच्छे से डेवलप होगा। और इस वेबसाइट पे और भी काफी अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर जाकर अगर मैं कोई पर्टिकुलर ग्राफिक डिजाइन कर रहा हूँ या पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स मुझे जानने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो उसके लिए मैं इसका ये जो सेक्शन है पोस्टर वाला वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें ड्यूअल टोन कलर्स मिल जाता है जिससे हम इस पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन को यू नो यूज कर सकते हैं, फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और फिर जब मैं फेवरेट पे क्लिक करूंगा तो हमें जो सेव्ड फेवरेट में वो मिल जाएंगे। एंड फाइनली जो आता है ये कलर पैलेट वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। मैं ज्यादातर जो टाइप वाला सेक्शन है उसे ही कभी कभार यूज करता हूं, पहले ज्यादा करता था, अभी तो मैं फिलहाल इतना नहीं करता। जो नेक्स्ट वेबसाइट है मेरे पास आपके लिए उसका नाम है fontjoy.com। बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को टाइपोग्राफी में जिनका हाथ कमजोर है, जो लोगों को फॉन्ट कॉम्बिनेशन करने में फॉन्ट के कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में डिफिकल्टी होती है, तो उन लोगों के लिए ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें क्या है कि आपको ना 3 सेक्शन मिलते हैं, हेडिंग, सबटाइटल्स और डिस्क्रिप्शन। तो मान लीजिए मैं एक इंस्टाग्राम डिजाइन बना रहा हूं या कोई भी रैंडम डिजाइन बना रहा हूं जिसमें मुझे एक टाइपोग्राफी का डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो यहां पर जाकर मुझे बस जनरेट पे क्लिक करना है और यहां पर ये मुझे अलग अलग फॉन्ट की कॉम्बिनेशन देता जाएगा और जिस टाइप का डिजाइन है उसके हिसाब से मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मुझे मिल जाएगा कि ये जो हेडिंग फॉन्ट है इसमें मॉन्टेसराट यूज किया गया है, जो सबटाइटल फॉन्ट है उसमें यूज किया गया है कॉमरेंट, और जो
डिस्क्रिप्शन है उसमें यूज किया गया है चीवो, जो कि बहुत ही अमेजिंग फॉन्ट है। तो बहुत अच्छे से, बहुत बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, मैं ऐसे ही डायरेक्टली फॉन्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करके इन्हें डायरेक्टली अपनी डिजाइन में यूज कर सकता हूं। और यहां पर इस वेबसाइट की सबसे बेस्ट चीज यह है कि यहां पर हमें ये स्लाइडर मिलता है। तो अगर इस स्लाइडर को मैं पूरी तरीके से लेफ्ट में लेके जाऊं तो ये कहेगा वेरी सिमिलर। मतलब क्या होगा कि जो भी फॉन्ट ये सजेस्ट करेगा, जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूं, तो जो भी फॉन्ट्स ये सिलेक्ट करेगा वो आपस में काफी ज्यादा सिमिलर होंगे, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा उनमें। और अगर मैं इसे पूरी तरीके से लेफ्ट में ड्रैग करता हूं हाई कॉन्ट्रास्ट में और फिर क्लिक करूंगा जनरेट पर, तो सभी फॉन्ट जो है वो बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट होंगे, मतलब अपने आप में काफी अलग होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लुक यू आर लुकिंग फॉर, काइंड ऑफ डिजाइन यू आर लुकिंग फॉर, आप उस तरीके से अपने फॉन्ट जो है वो यहां से सिलेक्ट कर सकते। और अच्छा सा आपका एक यू नो प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छी फॉन्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने का। और अगर आप चाहो तो इसे इन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ये जो ब्लैक फॉन्ट है वो कैसा दिखेगा। अगर आप चाहो तो डार्क बैकग्राउंड या ब्लैक बैकग्राउंड पे भी इसे देख सकते हो। सही, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, पहले तो मैं इसे बहुत यूज करने का। जो नेक्स्ट वेबसाइट है मेरे पास आपके लिए वो है ये कलर कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, कलर माइंड। अब कलर पैलेट्स जनरेट करने वाले तो बहुत सारे वेबसाइट है, बट ये मेरी पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं ना वो हमेशा मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट में बहुत रैंडम कलर्स आते हैं, बट इसमें आप जो भी जनरेट पे क्लिक करोगे आपको बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन यहां पर देखने मिल जाएंगे, जो ट्रेंडी भी लगते हैं, फ्रेश लगते हैं और मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करके कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो और वो उसके हिसाब से आपको कलर पैलेट दे देगा। जैसे कि मैं अभी के लिए ये इमेज अपलोड कर दूंगा, तो इस इमेज के बेसिस पे वो एक कलर पैलेट बनाएगा और आपको मिल जाएगा। तो अगर कहीं से आप ऑनलाइन रेफरेंस लेते हो और उस रेफरेंस इमेज का आपको कलर पैलेट चाहिए तो वो आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। और फाइनली जो लास्ट मेरे पास आपके लिए टूल है, ये वेबसाइट है, जो भी आप कहना चाहो, वो है ये letsenhance.io। इसमें क्या होता है कि बहुत बार हमें कोई इमेज अच्छा लगता है गूगल से, वैसे तो आपको गूगल से इमेजेस यूज नहीं करने चाहिए, बट मान लीजिए आपको कोई इमेज अच्छा लगा और वो इमेज की जो साइज है वो बहुत छोटी है, आपको एनलार्ज करना है उसे, तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हो और जो रिजल्ट आते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। तो मैं अभी ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करूंगा और यहां पर जाकर मेरे पास ये स्पाइडरमैन का इमेज है जिसकी साइज है 350x445, जो कि रिलेटिवली बहुत ही छोटी साइज है। ठीक है, तो मुझे बस इस पे ऐड कर देना है। यहां पर कुछ ऑप्शंस है जिसे हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे यहां पर और क्लिक करेंगे स्टार्ट प्रोसेसिंग पर। कुछ सेकेंड या मिनट लेगा ये इसे प्रोसेस करने के लिए, एंड बूम इट इज रेडी। जैसा कि आप देख सकते हो बिफोर इसका जो साइज था वो था 350x445, अभी इसका साइज डबल हो चुका है, मतलब 350 का डबल दैट इज 700 एंड 445 का डबल दैट इज 890। तो चलिए इसे डाउनलोड करते हैं, इसे मैं नाम दे दूंगा, ठीक है, स्पाइडरमैन 2। और अब इसे मैं ओपन करता हूं और जो ओरिजिनल इमेज था उससे भी मैं साइड बाय साइड ओपन कर लूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो ओरिजिनल इमेज का साइज था वो था 300, जो कि इतना छोटा था, और जो हमने अभी डाउनलोड किया है एनलार्ज किया है वो है 700 का। और देख सकते हो कि जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व है, और मैंने ये जूम आउट नहीं किया है बाय द वे, ये ओरिजिनल साइज ही उसकी इतनी है। जैसे कि अगर मैं इस इमेज को बड़ा कर दूं इसके कंपेयर में, आप देख सकते हो जो ओरिजिनल इमेज था वो ये था और जो हमें बाद में मिला है एनलार्ज करके वो ये रिजल्ट मिला है। जो डिटेल्स है वो बहुत अच्छे से प्रिजर्व है, और एनलार्जिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है मेरे हिसाब से। सो दैट इज अ रैप गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एम करते हैं 2000 लाइक्स के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे, थोड़ा एम बढ़ा देते हैं, हमेशा 1000 बोलता हूं, इस बार 2000 मांग रहा हूं, प्लीज 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 कर देना, काफी ज्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं अगर ये वीडियो 2000 लाइक्स क्रॉस करता है। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जब कभी भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि यही डे फिक्स कर दूं, मंडे को दोपहर 2 बजे हमेशा हर वीक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक लेते केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव। पीस आउट।